नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्ताशीतितम सर्ग, यानी 87वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इस सर्ग का विषय वस्तु है भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना, होश में आने पर भरत का गुह से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुह का उन्हें सब बातें बताना तथा स्वयं भी बलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। गुहस्य वचनम श्रुत्वा भरतो भृशम प्रियम ध्यानम जगाम तत्रैव यत्र तच्छ्रुतम प्रियम सुकुमारो महासत्वः सिंहस्कंधो महाभुजः पुंडरीक विशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः प्रत्याश्वस्य मुहूर्तं तु कालं परम दुर्मनाः ससाद सहसा तोत्रैर्हृदि विद्धैव द्विपः भरतं मूर्छितं दृष्ट्वा विवर्ण वदनो गुहः बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकंपे यथा द्रुमः तद्वस्थं तु भरतं शत्रुघ्नो अनन्तर स्थितः परिष्वज्य रुरोदो चैर्विसंज्ञः शोककर्षितः। गुह का श्रीराम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। जिन श्रीराम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। अब उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्रीराम ने जब जटाधारण कर ली तब तो वे शायद ही लौटें। तो भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली भी थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर दो घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया, फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुदबुद्ध खो बैठे। ततः सर्वाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः उपवर्षा दीना भर्तृव्यसन कर्षिताः ताश्च तम पतितं भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन् कौसल्या त्वनुसृत्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे वत्सला स्वं यथा वत्समुपगुह्य तपस्विनी परिपप्रच्छ भरतं रुदति शोकलालसा पुत्रव्याधिर्नते कच्चिच्च शरीरं प्रतिबाधते अस्य राजकुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितं त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते वृत्ते दशरथे राज्ञीनाथ एकस्त्वमद्यनः। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थीं। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गऊ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा
तुम्हारे शरीर को कोई रोग कोई कष्ट तो नहीं है। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। अपने आप को संभालो वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम्ही हम लोगों के रक्षक हो। कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतम ते किंचिद प्रियम पुत्रे वाह्येक पुत्रायाः सह भार्ये वनं गते समुहूर्तं समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः कौसल्याम परिसान्त्यवयेदं गुहं वचनमब्रवीत् भ्राता मे क्वावसद् रात्रौ क्व सीता क्व च लक्ष्मणः अश्वपच्छयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुहशंसमे सोऽब्रवीद् भरतम् हृष्टो निषादाधिपतिर्गुहः यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहिते अतिथौ अन्नमुच्चावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च रामायाभ्यवहारार्थं बहुशो अपहृतं मया। तो कौशल्या माता भरत का हाल देखकर पूछ रही हैं उनसे, बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्रीराम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुह से इस प्रकार पूछा, बोले, गुह उस दिन रात में मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे थे, सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे, उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था, ये सब बातें मुझे बताओ। तो ये प्रश्न सुनकर निषाद राज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीराम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा। उन्होंने बताया कि मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए थे। तत्सर्वं प्रत्यनुज्ञासीत् रामः सत्य पराक्रमः न हि तत्प्रत्यग्रहणात् स क्षत्र धर्मम् अनुस्मरन् न हि अस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सर्वदा इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना। लक्ष्मणेन यदा नीतं पीतं वारि महात्मना औपवास्यं तदा कार्षीद् राघवः सह सीतया ततस्तु जल शेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत् तदा वाग्यतास्त्रे त्रयः संध्याम समुपासंत संहिता। तो गुह श्री राम के बारे में बताते हुए भरत से आगे कहते हैं कि सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया और जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर संध्या उपासना की थी। सौमित्रिस्तु ततः पश्चाद करोत स्वास्तरम शुभम स्वयमानी बहिर्षिम क्षिप्रम राघव कारणा तस्मिन् समाविशद रामः स्वास्तरे सह सीतया प्रक्षाल्य च तयोः
पादौभ्य पाक्रामत्सलक्ष्मणः एतत् तदिङ्गुदीमूलमिदमेव च तत्त्रिणम् यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिम् ताम् शयितावुभौ नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवान् शरैः सुपूर्णा विशुधि परन्तपः महद्धनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठत् परितोऽस्य केवलम् ततस्त्वहम् तोत्तमम् बाणचापभृत् स्थितोऽभवम् तत्र स यत्र लक्ष्मणः अतन्द्रितैर्ज्ञातिभिरात् कार्मुकैर्महेन्द्रकल्पम् परिपालयन्स्तदा। तदनन्तर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हटाए। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे दो तरकश बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे थे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 87वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 87वां सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।